अभी आप का क्या स्वरूप है, मैंने क्या कार्यभार है? हमारा कार्यभार पिछले 4 साल से हम वहाँ पर सीतामढ़ी के जिला प्रभारी थे। अभी वहाँ पर हमको दायित्व दिया गया है, लोकसभा सीतामढ़ी लोकसभा जो माँ जानकी की जन्मभूमि है, उस लोकसभा का मुझको प्रभारी बनाया गया है और मैं उस प्रभार में हूँ और वहाँ पर अपने कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो विवेक जी आप भी समझते हैं कि किसी भी राजनीति से, कि कोई भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है तो उसकी अंतिम परिणति होती है हाउस तक पहुंचना, लोकसभा हो विधानसभा तक हो। क्या ऐसी सोच है आपकी? एकदम रहेगी सोच, कहेगी जब हम हाउस में पहुंचेंगे, आज हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हाउस तक अगर हम पहुंचते हैं तो जनता की सेवा और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास जब शक्ति होगी तो शक्ति का भी सही जगह हम उपयोग करेंगे और जनता उससे लाभान्वित होगी। अच्छा, एक प्रश्न जो आपका व्यक्तिगत, वो आप नगर निगम के प्रथम डिप्टी मेयर रहे, नगर निगम का जब निर्माण हुआ तो प्रथम हुए, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा अच्छे ढंग से चला। आज भी आप देख रहे हैं नगर निकाय नगर सरकार चल रही है, कैसा लगता है? देखिए, हम लोग के समय हम लोग निश्चित तौर पर पहली बार बहुत अच्छा, यहाँ बहुत बने थे मेयर डिप्टी मेयर, और हम लोग के पास न साधन था न कोई संसाधन था न फंड था, दो दो साल का मजदूरों का बाकी था वेतन। लेकिन उस परिस्थिति को भी देखते हुए जो भी संभव हुआ, कुछ सरकार से लड़के, कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट करके, और हम लोगों ने तरीके से चलाया और उसी समय हम लोगों ने पूरे मुजफ्फरपुर में जो नगर क्षेत्र है उसके हर वार्ड हर गली हर कूचे में पहला काम हमने किया था कि वेपर लाइट लगाया, और वेपर लाइट से पूरा शहर जगमगा गया था। और मेरे पास साधन और संसाधन की कमी थी, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें सबसे बड़ी मुझे वो की समस्या थी पानी के लगने की, बरसात बरसात में मुजफ्फरपुर डूब जाता था, पानी का निकासी सही नहीं था। हम लोगों ने उसे वार्ड लेवल पर लगकर पहला काम किया कि पानी के निकासी को हमने सुधारा, और मुजफ्फरपुर में आज तक का ये पहला रिकॉर्ड है कि 4 साल जब तक हम लोग रहे, पहला साल तो हम नहीं रोक पाए पानी को लगने से, लेकिन उस 4 साल तक एक बूंद भी चाहे कितना भी बारिश हो हमने पानी नहीं लगने दिया। ये जरूर मेरा अचीवमेंट रहा। अच्छा विवेक जी, अंतिम प्रश्न, उस समय जिस समय आप थे डिप्टी मेयर, उस समय स्मार्ट सिटी की कोई बात नहीं थी, अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मुजफ्फरपुर, 3 शहरों में मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर बिहार शरीफ मुजफ्फरपुर, काम भी तेजी से चल रहा है। अब ये बताइए बहुत कम शब्दों में कि इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, सरकार का ये प्रोजेक्ट 100 शहरों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेने का काम किया, गोद लेने का काम किया, समझिए एक ढंग से स्मार्ट सिटी के तौर पे जो भी महत्वपूर्ण शहरें थी उसको उन्होंने लिया पहले फेज में। ऐसे सभी शहरों को लेने का उनका है प्लानिंग, लेकिन पहले फेज में 100 शहरों को लेकर उसको डेवलप करने का उनका प्रोजेक्ट है। उसमें मुजफ्फरपुर भी आया, ये मेरा सौभाग्य है, हमारे शहर की जनता का सौभाग्य है और लोगों का सौभाग्य काम भी, शुरू भी है। यह और हमारा प्रश्न काम है कि आप भी उससे शुरू हुआ, संतुष्ट हैं अभी जो काम हो हजारों रहा करोड़ रुपया आया भी उसमें। है? और स्मार्ट सिटी ये सोच के साथ हुआ था कि जब किसी भी जिले का शहर है सो आईना होता है, और आईना अगर साफ रहे तो स्वाभाविक है कि पूरा जिला का इम्प्रेशन सही जाता है। कोई भी हमारे बाहर के जो मेहमान आते हैं वो शहर में ही पहले आते हैं। यहाँ पर इस सरकार का ये मंशा है, शहर को तो करना ही है स्मार्ट,
उसके बाद इस देश की एक एक गांव को हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि उसको भी स्मार्ट बनाना है, एक एक प्रखंड को स्मार्ट बनाना है। सिर्फ शहर की बात मत कीजिए, ये पूरे देश 140 करोड़ के सोच के साथ इस भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई है और एक एक लोगों का ख्याल रखने के लिए वो अपना कार्य की योजना बनाई है और कर रही है। तो मतलब अभी जो कार्य चल रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट बाधाएं आती है, बहुत सारी बाधाएं हैं। बिहार सरकार है, सरकार जब की तो थोड़ा तेज काम हुआ, जब नहीं है तो स्लो काम हो जाता है। लेकिन ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर एक शहर अच्छा दिखने लगेगा।